केमिकल इक्विलिब्रियम में मैं सबसे पहले ले रहा हूं आपके साथ इंट्रोडक्शन। पहले तो हमें यह समझना है कि रिएक्शंस कितने तरह की होती है। बहुत इजीली है, रिएक्शन का अगर क्लासिफिकेशन करते हैं हम तो हम बहुत तरह से बोल सकते हैं, एंडो एक्सो, पूरा नाम थर्मिक। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, सही है, और एक्सोथर्मिक वो होती है जिसमें हीट रिलीज हो रही है। यानी एंडोथर्मिक में ए कन्वर्ट बी, लेकिन हीट एब्जॉर्ब करेगा। आपको ऐसी रिएक्शन को के लिए हीट बाहर से एब्जॉर्ब हीटिंग देनी पड़ती है, जबकि यहां पर अगर कोई रिएक्शन है जिसमें ए बी में चेंज हो रहा है या सी डी में चेंज हो रहा है तो हीट निकलेगी, हीट का साइन यहां आएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, बेसिक सी डेफिनेशन है, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। रिएक्शन फिर फर्दर क्लासिफाइड होती है होमोजीनियस हिट्रोजीनियस, होमोजीनियस हिट्रोजीनियस। होमो से एक फील आती है कि हाँ होमोजीनियस रिएक्शन है हमारे लिए, तो सारे फेज क्या होने चाहिए, सेम स्टेट तो सेम होने चाहिए, स्टेट लेकिन फेज भी सेम होने चाहिए। अब आप कहेंगे स्टेट और फेज में क्या डिफरेंस है? देखो स्टेट तो तीन होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, लेकिन फेज किस तरह से डिफाइंड होता है? गैस का कोई अलग से फेज नहीं होगा, लिक्विड का भी नहीं होता, लेकिन सॉलिड के हो जाते हैं स्ट्रक्चर्स की वजह से। रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, ट्राइक्लिनिक सल्फर, अलग अलग हो गया। तो ये स्टेट सेम है लेकिन फेज अलग है। तो होमोजीनियस वो होता है जिसके अंदर स्टेट और फेज दोनों सेम हो। आ रही है बात समझ में? किसके? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के। तो होमोजीनियस रिएक्शंस, रिएक्शंस इन विच स्टेट एंड फेज आर सेम फॉर ऑल सब्सटेंस, जैसे ध्यान से सुनना, N2 प्लस थ्राइस H2 क्या बना रही है? अमोनिया, ट्वाइस NH3, सब गैस है। गैस में तो कोई फेज अलग हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये क्या है? होमोजीनियस का एग्जांपल है। हिट्रोजीनियस की बात करते हैं, कार्बन ग्रेफाइट है और क्या बना रहा है? कार्बन डायमंड। क्या ये दोनों सॉलिड है? हाँ, लेकिन इनका फेज सेम नहीं है, तो ये किस में काउंट किए जाएंगे, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो हमारे पास आ रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 अपने आप में सॉलिड है, क्या बना रहा है? CaO सॉलिड। अभी तक तो ऐसा लग रहा है होमोजीनियस है, लेकिन CO2 बनते ही गैस हो गया, और एक भी प्रोडक्ट या एक भी सब्सटेंस गैस हुआ तो ये किस में आ जाएगा? हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो दूसरी तरह से हमारा क्लासिफिकेशन हो गया, यानी फर्स्ट क्लास और ये सेकंड क्लास। एक और तरह से क्लासिफिकेशन होता है रिएक्शंस का, और वो होता है फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। देखो इंड्यूसर रिएक्शन तो हमेशा फॉरवर्ड ही होगी, यानी रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है? दस, यानी ए के डायरेक्शन में। सिर्फ रिवर्सिबल के अंदर ऐसा हो सकता है कि ए बी में चेंज हो रहा है तो इसको तो फॉरवर्ड बोलेंगे, लेकिन बी ए में चेंज हो रहा है तो बैकवर्ड। यानी बैकवर्ड हमेशा तब डिफाइन हो सकती है जब फॉरवर्ड पहले से डिफाइन हो। आ रही है बात समझ में? इंड्यूसर बैकवर्ड क्या होगा? अगर मैं बोल दूं बी ए में चेंज हो रहा है तो बी को ही रिएक्टेंट बना लो ना आप। आ रही है बात समझ में? तो इस कंडीशन में ये फॉरवर्ड है और ये बैकवर्ड है, ये रिलेटिवली चलता है। अगर इसको फॉरवर्ड बोल देंगे तो इसको क्या बोलना पड़ेगा? बैकवर्ड बोलने पे। लेकिन जनरली हम इसको फॉरवर्ड बोलते हैं इधर और इसको क्या बोलते हैं? बैकवर्ड। ये हमने स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन बना लिया, नहीं तो दिक्कत आ रही थी शुरू में। तो बैकवर्ड तभी डिफाइन होगी जब रिवर्सिबल रिएक्शन आ रही है, रिएक्शन आ रही है। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन आती रिएक्शन का एक और क्लासिफिकेशन हो गया। कैसे? देखो एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन और एक होता है रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और एक रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब साफ साफ है, ए बी में चेंज हो तो बेचारा बी बी ए में चेंज हो।
जबकि इरिवर्सिबल में सिर्फ ए बी में चेंज हो और बी ए में ना चेंज हो। ऐसा कब हो सकता है? जब ए सिर्फ बी में चेंज हो, या तो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा क्या हो, एक्सोथर्मिक, बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक, तो इतनी एनर्जी लिबरेट हो जाएगी, वो एनर्जी हमारे को अर्थ के रूम टेम्परेचर पे या हमारी कंडीशन पे ना मिले। सूदली बम फूट गया, फूट गया, बहुत सारी एनर्जी निकल गई। अब अपन सोचे कि वो जो बारूद है उसको ठंडा करेंगे फ्रिज में तो वापस सूदली बम तैयार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो बारूद नहीं बनेगा क्यों? क्योंकि उसमें जितनी एनर्जी में अमाउंट में निकली उतनी एनर्जी वापस नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, एलिमिनेट हो गया, या कार्बन जल गया, CO2 बन गया। अब वापस CO2 कार्बन में चेंज नहीं होगा ठंडा करने पे, क्योंकि उसने इतनी एनर्जी लिबरेट की है कि उतनी एनर्जी आपको नहीं मिल रही है। आ रही है बात समझ में? तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इरिवर्सिबल होती है, बहुत ज़्यादा यानी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में बहुत ज़्यादा हो ना, तो हाईली तो वो आपके लिए एग्जाम्पल हो जाएगा इरिवर्सिबल का। या फिर दूसरा हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बने जो सॉलिड बन जाए या गैस बन के कंटेनर से आउट हो जाए। दो ही चीज़ें, सॉलिड बन के सॉल्यूशन से आउट हो जाए या गैस बन के आउट हो जाए, तो ये भी इरिवर्सिबल हो सकती है। आ रही है बात समझ में? डिस्कशन, तो कोई भी रिएक्शंस इरिवर्सिबल है, जैसे NaOH प्लस HCl को मिलाता हूँ, NaCl प्लस H2O बन रहा है, तो ये इरिवर्सिबल क्यों है भाई? मेरे से कोई पूछता है तो मैं बोलता हूँ डेल्टा वैच हाई नेगेटिव वैल्यू, बिग नेगेटिव वैल्यू, बिग नेगेटिव वैल्यू रखता है इसलिए। ठीक है, फिर किसी ने मेरे से दूसरा एग्जांपल ले लिया कि चलो ठीक है ये बिग नेगेटिव लेता है, हम AgNO3 ले रहे हैं प्लस NaCl मिला रहे हैं, AgCl बन रहा है प्लस NaNO3 बन रहा है, ये रिवर्सिबल क्यों है? मैंने कहा ये सब लिक्विड थे, एक्वास थे, ये अचानक क्या बन गया? सॉलिड बन गया। तो ये सॉलिड बनती कंटेनर से बाहर चल गया, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, इरिवर्सिबल इसलिए है। सही है, मुझे समझ में आ गया। हाँ यार, कुछ तो लॉजिक है कि ये रिवर्सिबल इसलिए क्योंकि PPT। अच्छा चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसी के अंदर। CaCO3 है, CaO प्लस CO2 बन रहा है, ये रिवर्सिबल क्यों है भाई? क्योंकि ये तो एक्सोथर्मिक भी नहीं है, एंडोथर्मिक है उल्टा, लेकिन CO2 बनते ही ऊपर उड़ गया, कंटेनर से बाहर आ गया। क्लोज कंटेनर में हो सकता है ये रिवर्सिबिलिटी गेन कर दे, लेकिन ओपन कंटेनर में CO2 बाहर चला गया, ठीक है, तो बैक में आ ही नहीं सकता। समझना बात, सिंपल सा है कि अगर ये कोई कपल है, डिवोर्स हो गया हस्बैंड वाइफ का, और दोबारा मैरिज नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि वाइफ की दूसरी मैरिज हो चुकी है, तो गया वो, वही वाली चीज़ हमारे साथ हो रही है, तो आ रहा है समझ में? तो ये भी हमारे लिए क्या रह गया? इरिवर्सिबल मैरिज। तो और बाकी अगर इनमें से कोई केस नहीं दिखे तो वो सब किसके एग्जाम्पल है? रिवर्सिबल के। तो हम किसको पढ़ेंगे यहाँ पर, रिवर्सिबल को, इरिवर्सिबल को? रिवर्सिबल को, क्योंकि इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल में आता है। अब आप लिख लें, मुझे पता चला कि रिएक्शन दो तरह की है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। तो जो रिवर्सिबल होती है उसमें ए बी को दे रहा है तो बी ए को भी दे रहा है। हो सकता है शुरुआत में ए से बी की तरफ देने की रेट ज़्यादा हो, मैं आपको 1,000 रुपये दे रहा हूँ, आप मुझे 10 रुपये दे रहे हो, ठीक है, मेरे पास अमाउंट धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मैं आप 1,000 नहीं दूंगा, मैं आपको क्या दूंगा, 500 दूंगा, आप मेरे को भी अब 10 रुपये नहीं दोगे, थोड़ा बढ़ा के दोगे 100 रुपये। एक समय ऐसा होगा कि मैं आपको शायद हो सकता है 200 रुपये दूँ और आप भी मेरे को 200 रुपये दो, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। लेकिन इक्विलिब्रियम कब गेन होगा? जब रिएक्शन रिवर्सिबल हो, ठीक है ना, केवल लेना नहीं होता, लेना और देना दोनों चले तो रिवर्सिबल होगा, और उस पोजीशन को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट धीरे धीरे अचीव होता है। तो यहाँ इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब मेरा सीधा सीधा सा है, तीन तरह से। पहला, क्या इक्विलिब्रियम स्टेट पे फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट, जो देने की रेट है और लेने की रेट बराबर होगी? हाँ, जब मेरे पास, मैं जितना 200 रुपये आपको दे रहा हूँ और आप भी मेरे को 200 रुपये दे रहे हो, तो मेरे अमाउंट में क्या चेंजेज होगा? कुछ भी नहीं। तो मेरे मोल चेंज होंगे, मेरे मोल नहीं चेंज होंगे, तो मेरी सारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट, क्योंकि मोल ही चेंज नहीं हो रहा है, अमाउंट ही चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ दिया ही नहीं, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से ले लिया, तो मेरी जेब में तो उतना ही पैसा रहेगा। तो हमें इक्विलिब्रियम पढ़ना है और इक्विलिब्रियम की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज उठानी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते इक्विलिब्रियम। ब्रियम दो तरह का होता है, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। मतलब एक बिल्कुल रुका हुआ है, एक डायनामिक है, मूवमेंट के साथ है। समझना, ठीक है, मैं फील लाने की जाना कोशिश कर रहा हूँ कि डायनामिक स्टैटिक क्या है।
अब ऐसे समझिए, मैंने सब्जी ली, मैंने क्या लिया, भिंडी खरीदने की कोशिश की 1 किलो, तो एक तरफ तराजू में भिंडी रखी हुई, एक तरफ 1 केजी है, और उसने कहा देख लो भाई साहब पूरा सही है, वो इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक। क्यों है स्टैटिक? ऐसा तो नहीं हो रहा कि एक भिंडी उठ के यहाँ आ रही है, यहाँ से 10 ग्राम उठ के यहाँ आ रहा है, नहीं, तो यानी कि कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो स्टैटिक है। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, सपोज मैं और मेरी वाइफ ट्रेन में जा रहे हैं, दोनों ट्रेनें अलग अलग है, दोनों अलग अलग ट्रेन, देखिए पैरेलल चल रही है, हम दोनों एक दूसरे को हाथ दिला रहे हैं, ठीक है, तो ये स्टैटिक है या डायनामिक? डायनामिक, क्योंकि वो मूव कर रही है ट्रेनें, ठीक है ना। और अगर दोनों ट्रेनें रुकी हुई है तो क्या हो गया? स्टैटिक। हम दोनों एक दूसरे के लिए इक्विलिब्रियम में, दोनों ही कंडीशन में, लेकिन स्टैटिक का पता चलता है मूवमेंट से, अगर नहीं है तो स्टैटिक है और है तो डायनामिक है। तो हमारे लिए स्टैटिक का मतलब ही है नो मूवमेंट। एग्जाम्पल आपको मैंने बताया, बैलेंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बैलेंस आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, यहां 1 केजी रखा हुआ है, किस फॉर्मेट में क्या दिया हुआ है नहीं मालूम, और यहां 1 केजी रखा हुआ है, दोनों बैलेंस है, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल मान सकते हो, स्टैटिक। लेकिन जहां बात आती है मूवमेंट की, वो डायमेंड डायनामिक है। और इसका एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन भी हो सकती है, बहुत सारे, तो बहुत सारी रिएक्शन इसका एग्जाम्पल है। जैसे सपोज ए बी में चेंज हो रहा है, तो बी भी ए में चेंज हो रहा है। देखो अभी हाल में बताया, मैंने आपको 200 रुपये दिए, आपने 200 रुपये दिए मुझे, इक्विलिब्रियम है, डायनामिक स्टैटिक डायनामिक। अगर आप भी नहीं देते, मैं भी नहीं देता, भैया रहने दो यार, गिफ्ट से गिफ्ट कैंसिल, ठीक है ना, तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टैटिक कहला देता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यहां पर दिए जा रहा है हमेशा, यानी हमेशा ए बी में चेंज हो रहा है, बी ए में चेंज हो रहा है, लेकिन चेंजिंग अमाउंट सेम है। आ रही है बात समझ में? चेंजिंग अमाउंट सेम है, इसलिए यहां पर ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? कैसे दिखाई देगा? आंखों से। मूवमेंट अमाउंट केमिकल में हो रहा है, इतने छोटे पार्टिकल में हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। ये गिफ्ट थोड़ी ना, जैसे मैं दे रहा हूँ और आप भी मेरे को दे रहे हो, जैसे दिवाली का समय चल रहा है, होता है ना डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, मैं आपको सोन पपड़ी देता हूँ, ये इनको देते हो, ये मेरे को दे देता है, फुल मिला के वो सोन पपड़ी मेरे से मेरे में आ जाती है, क्योंकि मैंने उसमें निशान बना रखा है, तो समझ में आ जाता है आ गई मेरे पास, तो वो कई बार तो पिछले साल की दिवाली की भी आ जाती है। तो कुल मिला के ये किस तरह का एग्जाम्पल है, स्टैटिक या डायनामिक? डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, हम डिसाइड कर लेते भैया हम नहीं देंगे, खत्म बात, स्टैटिक हो जाता। तो कुल मिला के समझ में आया आपको? तो स्टैटिक और डायनामिक में आपके पास यही है, मूवमेंट चालू है, और केमिकल इक्विलिब्रियम आर एग्जाम्पल ऑफ दिस, केमिकल और कुछ फिजिकल भी है, ठीक है, लेकिन फिजिकल मोस्टली आपको ऐसे ही मिलेंगे, केमिकल एंड सम फिजिकल, कुछ फिजिकल भी होंगे, ठीक है, इसको लिखें। आगे तो ये हमारे पास केमिकल, स्टैटिक और डायनामिक, हमने ये करा, चलने दो, हमारे को समझ में आ गया कि ये डायनामिक होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम इज द एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। लेकिन इक्विलिब्रियम को हम फर्दर डिवाइड करें कैसे? केमिकल एंड फिजिकल, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल बॉन्ड पार्टिसिपेट, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड होते हैं जैसे कोवलेंट कोऑर्डिनेट वगैरह, कोवलेंट बॉन्ड टेक्स पार्टिसिपेट, कोवलेंट कोऑर्डिनेट आयनिक वगैरह, और यहां पर फिजिकल बॉन्ड्स, टेक्स पार्टिसिपेट, एग्जाम्पल हाइड्रोजन बॉन्ड। सीधा सा है, केमिकल बॉन्ड पार्टिसिपेट करेंगे तो केमिकल मॉलिकुलर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यानी कंपाउंड का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मॉलिकुलर फॉर्मूला विल बी चेंज,
जबकि यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं बोला, मॉलिकुलर फॉर्मूला चेंज होगा क्या इस जगह? नहीं है, मॉलिकुलर फॉर्मूला रिमेन सेम, फॉर्मूला सेम, रिमेन सेम, मॉलिकुलर फॉर्मूला विल बी चेंज। आप बात को समझे, किसके अंदर? केमिकल इक्विलिब्रियम में। जैसे मैंने अगर यहां पर बात करा, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, पीसीएल 5 है, डिकम्पोज हुआ पीसीएल 3 प्लस सीएल 2 हो गया, और इक्विलिब्रियम में एक मॉलिकुलर फॉर्मूला चेंज हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अच्छा दूसरी तरफ देख लीजिए, एच टू ओ मेरे पास लिक्विड था, मैंने गर्म किया और बॉइलिंग पॉइंट तक रखा, और एच टू ओ वेपर बन गया। तो बताओ स्टीम का भी वही मॉलिकुलर फॉर्मूला है जो वाटर का है, और वाटर का भी वही है जो आइस का है, फॉर्मूले में चेंजेज नहीं हुआ, एच टू पहले भी था आज भी वही एच टू है, लेकिन स्टेट चेंज हो रही है। इसका रीजन है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे वो टूटते जा रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड जितने भी है वो आपके केमिकल बॉन्ड में नहीं है। बिल्कुल, जितने भी केमिकल इक्विलिब्रियम है वो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इतना लाइन तो दोनों नहीं, फिजिकल में मैंने अभी हाल एग्जांपल लिया बैलेंस, वो भी फिजिकल है तो वो हो सकता है, तो ये हमारे लिए क्लियर है, लिखें इसको जल्दी से। तो देखिए बात आती है कुछ प्रॉपर्टीज की जो केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ आ रही है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम स्टेट। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन नहीं रह गया, तो हमारे लिए ये डेफिनेशन का भी काम करेगा, प्रॉपर्टी भी। एट द इक्विलिब्रियम स्टेट, एट द इक्विलिब्रियम स्टेट, एट द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉन्स्टेंट, आर कॉन्स्टेंट, यानी चेंज नहीं हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं दिखेगा आपको प्रॉपर्टीज में, चेंज हो रहा है लेकिन नेट चेंज जीरो हो रहा है, ठीक है। जैसे डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी जीरो है, प्रेशर जीरो नहीं है कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मोल कांस्टेंट है, तो मोल कांस्टेंट है तो पार्शियल प्रेशर पार्शियल वॉल्यूम भी क्या रहेंगे? कांस्टेंट होंगे। ये सब छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो आपको समझने होते हैं। मैं अपनी लैंग्वेज में समझाता हूं कि केमिकल इक्विलिब्रियम मैं कैसे देखता हूं, मैं कैसे अपने आप को फील करने की कोशिश करता हूं कि केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या। देखो गिब्स फ्री एनर्जी, आप मेरे से थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे कि वास्तव में उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, लेकिन ये एक एनर्जी है गिब्स फ्री एनर्जी जो सिस्टम की स्टेबिलिटी को बताता है। गिब्स फ्री एनर्जी जितनी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। आप कहेंगे सर एंथैल्पी से बताया जा सकता था कि एनर्जी जितनी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, नहीं नहीं बता पा रहे थे हम ढंग से, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी जितनी कम होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, बोलो यस और नो। तो हमारे लिए पहला पॉइंट आ रहा है गिब्स फ्री एनर्जी जितनी स्टेबल होगी जितनी कम होगी उतनी ज्यादा होगी। अगर ए बी में चेंज हो रहा है, ए की गिब्स एनर्जी यहां पर है, ये ए के लिए, और बी की यहां पर है, तो हमें लगता है ए पूरी तरह से बी में चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी अमाउंट पे तो डिपेंड करती है, उनके कंपोजिशन पे भी डिपेंड करती है कि वो किस कंपोजिशन में है, यानी बी की तरफ। इससे पता चला बी की गिब्स एनर्जी कम है, समझना मेरी बात को, तो कंपोजिशन हमेशा बी की तरफ जाने कोशिश करेगा, मतलब ए बी का मिक्सचर, मिक्सचर की गिब्स फ्री एनर्जी सबसे कम होगी,
यानी ए की कम होगी, बी की कम होगी, मिक्सचर की ए और बी से भी कम होगी, लेकिन वो मिक्सचर में किसका कंपोजिशन ज्यादा होगा ये डिसाइड कर रहा है। जनरली ये उसकी तरफ होगा जिसकी खुद की गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, कम है, ठीक है ना। ये गिब्स ने आइडिया दिया स्टेबिलिटी को लेके, और अच्छा, नहीं तो पहले हम क्या सोचते थे, एनर्जी, एंथैल्पी, 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 खत्म यार। अगर एंथैल्पी होता तो एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं, दुनिया में नहीं होती, समझ में आ रहा है। तो ये हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जीज का कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि हमने रिएक्शन ए से चालू की है, तो यहां मिनिमम हो रही है, तो ये हमारे लिए डेल्टा जी हो जाएगा। और एक बार इक्विलिब्रियम आ गया तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस जगह जीरो। इस पॉइंट पे डेल्टा जी क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अब चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट हो गया। लेकिन अगर रिएक्शन के लिए लिखेंगे शुरू से, तो डेल्टा जी ऐसे डिसाइड करेंगे कि ए से जा रहे हो या बी से जा रहे हो, ए से जा रहे हो ये और बी से जा रहे हो ये। कोई समझ में आया? बहुत छोटे से लैंग्वेज में मैंने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। पहला क्या बताया मैंने, ए बी की तरफ जा रहा है और रिवर्सिबल है, ठीक है। ए और बी दोनों, पहला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्या बोला था मैंने, गिब्स फ्री एनर्जी ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट से स्पॉन्टेनिटी को बताने के लिए एज कंपेयर टू एंथैल्पी। एंथैल्पी सही नहीं है, पूरी तरह से प्रॉपर नहीं वर्क। तो पहला गिब्स, लिखते जाए मेरे साथ, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, ये तो आपको मैं थर्मोडायनामिक्स में और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी ये समझ लीजिए बस, एक एनर्जी है ये भी। गिब्स फ्री एनर्जी इज मोर गुड फैक्ट, गुड प्रॉपर्टी टू एक्सप्लेन द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। भाई फिजिबिलिटी का मतलब होगी या नहीं होगी, इसको स्पॉन्टेनिटी भी बोल सकते हैं, ऑफ रिएक्शंस। वो प्रोसेस, प्रोसेस के कोई भी प्रोसेस जब होता है, ये मेरे लिए होने का साइन हो गया। अगर प्रोसेस रनिंग में, तो जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, पहला। और डिक्रीज, जितना डिक्रीज होगी स्पॉन्टेनिटी उतनी बढ़ेगी, उतनी फास्ट होगी, पहला चीज क्लियर है। तो ये जितना जी डिक्रीज तेजी से होगा, अपनी लैंग्वेज में हिंदी में लिख सकते हैं, तेजी से जी डिक्रीज होने पर रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ जाएगी। आ रही है बात समझ में, लिखें इसको। बिल्कुल सही, तेजी से होने लगेगी। देखो ए अपने आप में सिर्फ ए है, इसकी गिब्स एनर्जी मान लीजिए यहां पर कोई भी है, -100 है, ये -150 है, और इस पॉइंट पे -200 है सपोज, तो वो चाहेगा क्यों नहीं कि और कम हो सके, वो क्यों नहीं चाहेगा कि और डिक्रीज हो, इसलिए रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो यहां बिल्कुल वैसा ही है कि हमारे पास 1 लाख रुपए हैं, तो हम क्या कमाना छोड़ देंगे, हम चाहेंगे और ज्यादा हमारे पास पैसा है, वैसे ही इनके साथ है, ये वहां तक कोशिश कर सकते हैं जहां तक ये और कम हो सके। तो अब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इससे ज्यादा कम हो नहीं पा रही इस सिस्टम के लिए, इसलिए यहीं आके रुक जाएंगे। तो एक और पॉइंट जो मैं आपको लिखा रहा हूं, पहले पॉइंट ही लिख लीजिए, गिब्स फ्री एनर्जी ए और बी के कंपेयर में, मिक्सचर के गिब्स फ्री एनर्जी किसी भी केस में, द वैल्यू ऑफ जी फॉर ए मिक्सचर इज ऑलवेज लेस देन ऑलवेज लेस देन रिएक्ट ऑल सब्सटेंस, भले वो प्रोडक्ट हो या रिएक्टेड हो। ऑल सब्सटेंस से कम होगी, ठीक है। तो हमें वो मिक्सचर पॉइंट, मैंने बहुत अच्छी लाइन बोली थी, वो मिक्सचर पॉइंट जनरली इस तरह से होता है कि अगर आपके पास सपोज ऐसा कुछ होता,
ये देखिए ए और ये है बी, इसकी मान लीजिए -100 है और इसकी -50 है, किसकी वैल्यू, जी की वैल्यू। अब आप कहेंगे -100 है तो ऑलरेडी स्टेबल है, क्यों होगा ये बी में चेंज। ठीक है मैं आपकी बात से सहमत हूं कि है, लेकिन मिक्सचर की और भी कम हो सकती है और होती है ऑलवेज बोला है तो इसका मतलब वो पॉइंट ऑब्वियसली ए के बहुत प्लस होगा, ठीक है ना, तो वो बढ़ने की कोशिश थोड़ी ना करना है, वो तो और कम हो रहा है मिक्सचर की जगह, तो यहां पर भी पहुंच गया। सपोज यहां जी की वैल्यू कितनी है, -120, तो बढ़िया है, इसलिए रिवर्सिबिलिटी और ये इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाता है और यही हमारे लिए क्या इसका काम करेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आने के पीछे लॉजिक ही यही है कि वहां पर पूरे सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी सबसे कम होती है। बस ये ए के पास होगा या बी के पास होगा ये इस पर भी डिपेंड करता है उनकी इंडिविजुअल पॉइंट्स पर, मुझे इससे ज्यादा नहीं बताना था, मुझे ये बताना है इस जगह डेल्टा जी कितना हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए, अगर देखा जाए तो इस जगह कितना हो जाएगा 20 डिग्रीज हो रहा है, -20 या 20, -20, बिल्कुल सही है -20। तो इसके लिए जो डेल्टा जी हो जाएगा रिएक्शन के लिए, डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -20। लेकिन एक बार अगर इक्विलिब्रियम पर आ गया तो फिर डेल्टा जी कितना होगा, 0, क्योंकि चेंजेज ही नहीं हो रहे। तो जब शुरू से किया था ए से इक्विलिब्रियम गए थे तो उसके लिए डेल्टा जी -20 और इक्विलिब्रियम आ चुका है तो 0। तो ये पॉइंट्स हैं, आप अपनी लैंग्वेज में लिखें इस पॉइंट्स को, रिएक्शन स्टार्ट होने से इक्विलिब्रियम तक आने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू इस डायग्राम में -20 है और आफ्टर इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0 है, फिर उसके बाद वो ऊपर नहीं जाएगा, वहीं रहेगा क्योंकि सबसे कम वही है। अब लैंग्वेज में लिख लो, तो मैं आपके साथ वापिस इस पॉइंट को एक बार और देख लो, इस रिएक्शन में -100 से आप कहां जाओगे, -200 कितना होगा, दिस -100। सपोज रिएक्टेंट पूरा चेंज हो जाता प्रोडक्ट में, कितने का फायदा होता आपको, -50। -50 का अच्छा है या -100 अच्छा है, -100 अच्छा है, इसलिए ये -100 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है वो अलग एग्जांपल है, अभी पहले इस पे करते हैं अपन। तो इसलिए हमारा इक्विलिब्रियम कहां तक जा पाएगा, यहां तक जा पाएगा, आ रही है बात समझ में। अब इस जगह देखते कि यहां -100 था यहां -50 था, तो मैं ऊपर तो ले जाऊंगा नहीं, नीचे से ऊपर जाऊंगा तो कितना डिफरेंस हो जाएगा, +50, बेकार है, जा ही नहीं पाऊंगा। ठीक है उस हिसाब से तो ये रिएक्शन होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मुझे पता चला नहीं, पहले मिक्सचर की भले ही कैसा भी हो मिक्सचर की हमेशा दोनों से ही कम होती है, तो एक बार पहले नीचे जाके ही ऊपर जाता है। ठीक है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाटा होगा, तो यहां पर कितना हो गया -120, मैंने रैंडम लिख दिया, मैं -120 या 105 भी लिख देता माइनस के, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो डेल्टा जी है ये आ रहा है ए से इक्विलिब्रियम में आने के लिए डेल्टा जी का डिफरेंस, जैसे ही बढ़ने लगेगा वहीं रुक जाएगा, बस इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है ना, जी कम होने की तरफ जाता है ऊपर होने की तरफ नहीं जाता, आ रही है बात समझ में। और मुझे कैसे पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट ए के पास है या बी के पास है, वो जनरली आइडिया लग जाता है इन दोनों में किसकी कम है, इसकी तो ए के पास होगा, इन दोनों में किसकी कम थी, बी की, तो बी के पास था, एक आइडिया लग जाता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते, अननेसेसरी ले रहा हूँ क्योंकि तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया। जैसे मेरे पास ये मैंने ले लिया -300 और ये मैंने ले लिया -180, तो एक मिनट, जी की वैल्यू यहां पर है। ठीक है तो आप हमेशा ए इस तरफ रखते हैं बी इस तरफ रखते हैं, ये ए अपने आप में क्या है, रिएक्टेंट। ओहो गलत हो गया, यहां -480 है, अब सही है। तो आप रिएक्टेंट से ही देखते हो हमेशा, रिएक्टेंट कौन है, जो भी रिएक्टेंट होगा उसको इस तरफ लिखेंगे, तो बस खत्म। आपको यह तो मालूम है कि बताओ इसमें डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, अभी कह ही नहीं सकते, कह ही नहीं सकते, आप कह रहे हो तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन नहीं समझा है, समझो आप बात को, कहीं ना कहीं ऐसे जाएगा ये, और जो ये पॉइंट आएगा ना इक्विलिब्रियम का, ये और कम आ गया -500 आ गया। अब बताओ डेल्टा जी रिएक्शन कहता हूं माइनस, तो मुझे नहीं लगता कि आप ये पूछना है आपका सही रहेगा कि ऐसे ही क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से डिफाइन करते हैं हम, कोई डाउट नहीं है। ठीक है,
बिल्कुल सही है, ये पॉइंट बी के पास होगा, ए के पास होगा जिसका कम है। अगर ए यहां लिख देता मैं और बी ऊपर लिखता तो ए के पास आ जाता, छोटा सा पॉइंट है बस, बहुत है। तो अब वापिस आते हैं हम अगला पॉइंट्स में जो हमारा गिब्स के बाद आ रहा है, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस को मैं कैसे देखता हूं, देखिएगा ध्यान से। इक्विलिब्रियम स्टेट, स्टेट देखो, इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या हो रहा है। इक्विलिब्रियम तो हम बोल देते हैं हाँ इक्विलिब्रियम है, लेकिन इक्विलिब्रियम का मतलब भी यही है कि कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम होगा, वही स्टेट है। तो स्टेट का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब उस समय जब इक्विलिब्रियम है उस समय कंटेनर में क्या कंपोजिशन है, क्या प्रेशर है, क्या वॉल्यूम है, क्या टेम्परेचर है, उन सब के बारे में नॉलेज होना ही इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब मेरे लिए नंबर वन कंपोजिशन मालूम होना चाहिए, लिखते जाए मेरे साथ। दूसरा प्रेशर मालूम, कंपोजिशन बाय मोल बाय कंसंट्रेशन कैसे भी समझ लीजिए, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इनके बारे में नॉलेज होना ही हमारे लिए इक्विलिब्रियम स्टेट है, चारों मेन प्रॉपर्टी। इसके अलावा भी दूसरी प्रॉपर्टी होती है, जब चार मालूम है तो सब कर सकते हो, जैसे कलर इंटेंसिटी, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, वेपर डेंसिटी वगैरह वगैरह, एवरेज मोलर मास, ये भी साथ के साथ आपकी दूसरी प्रॉपर्टीज होती है, अदर प्रॉपर्टीज इक्विलिब्रियम। लिखाई देता हूं मैं, कलर इंटेंसिटी, कलर इंटेंसिटी, वेपर प्रेशर या वेपर डेंसिटी उस जगह, विस्कोसिटी, ठीक है, और स्टेट, फिजिकल स्टेट, ये अदर प्रॉपर्टीज है, यानी 5, 6, 7, 8 इनकी भी जरूरत पड़ सकती है मुझे। ये सब प्रॉपर्टीज इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या रहती है, कांस्टेंट। अगला पॉइंट, हमारे को अगर पता चल जाए कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे ये कांस्टेंट है, हम इक्विलिब्रियम को कैसे देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब बात करते हैं, हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, मैं बहुत लाइट में ही गलती कराने की कोशिश करता हूँ आपसे। मेरे पास एग्जाम्पल से मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास एक रिएक्शन है जो ए और बी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं कि ए के शुरुआत में किस क्या लिया जाएगा, ए ही लिया जाएगा, क्यों लिया जाएगा भाई, बी क्यों नहीं लिया जा रहा, क्योंकि जनरली जो लेफ्ट लिखते हैं वही रिएक्टेंट होता है और जो रिएक्टेंट होता है वही जनरली लिया जाता है। अगर आपने बी लिया होता तो आप रिएक्शन बी कन्वर्ट इन ए लिखते, बेवकूफ़ी क्यों करोगे। तो ये तो आपका अपना अपना आई क्यू है, ठीक है, आपने ए ले लिया तो ए यहीं लिखोगे अब आप। और दूसरा पॉइंट, इस रिएक्शन को देख के ऐसा लग रहा है कि ए का कितने मोल है नहीं मालूम, लेकिन ये बात मालूम है मेरे को कि अगर ए का एक मोल कन्वर्ट होगा तो बी का भी एक ही बनेगा, ए के 10 बनेंगे तो बी के 20 नहीं बनेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ कोएफिशिएंट एक ही है। तो ये सब चीजें हमारा आई क्यू है कि हमें पता चल जाता है कि क्या है इस जगह। तो अगर आपके पास इस रिएक्शन को देख रहे हो आप, तो सबसे पहले कंसंट्रेशन या अमाउंट को देख रहे हो आप, तो ए का अमाउंट तो टाइम के साथ कम होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्सिबल है। तो एक समय आके ए बी में कन्वर्ट होगा, बी ए में कन्वर्ट होगा, तो दोनों का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों के अमाउंट बराबर हो जाए, हाँ हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ए का अमाउंट और बी के अमाउंट में बी का ज्यादा हो जाए, हो जाए, क्या दिक्कत है। तो इक्विलिब्रियम पर जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट ही ज्यादा हो, प्रोडक्ट भी ज्यादा हो सकता है। जैसे मैंने अभी हाल थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिया था, ये कितने मोल से लूं, 100 से लूं, 100 और 0, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ए कम होता जाएगा और बी बढ़ता जाएगा, पता है 10 और 90 के रेशियो में पहुंच जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम बी के पास है। इसको देखो, इसमें अगर 100 और 0 लेता हूं, लूंगा तो इसके ही मोल 100 और 0, तो ऐसा होगा यहां पर 90 और 10 का कंपोजिशन आएगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम फटाफट आएगी, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि किसके पास है, और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि डेल्टा जी की वैल्यू किस कितनी ज़्यादा तेजी से डिक्रीज हुई है, केवल एक फैक्टर पे नहीं डिपेंड करता। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, वापस अपने लॉजिक में आ रहा हूँ, इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि वैसे तो ये प्रैक्टिकली करोगे तो ऐसा कर्व कभी नहीं मिलेगा, इससे ये पता चल रहा है दोनों के लिए
50-50 है, समझ रहे हो? यानी कि दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है, दो अलग कंपाउंड की स्टेबिलिटी सेम होना होता ही नहीं है। तो लेकिन थ्योरिटिकल हम कुछ भी बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम स्टेट ये है। क्या ऐसा हो सकता है ये ए है ये बी है? बिल्कुल हो सकता है। यहां पर क्या ऐसा हो सकता है कि ए कम हो जाए बी ज्यादा हो जाए? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो शिवम मुझे बताएगा ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है या नहीं है। शिवम, दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट और नॉट? यस है, बिल्कुल सही है। आप बताओ ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है? आरती, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। इक्विलिब्रियम पॉइंट वो नहीं होता जब अमाउंट सेम हो, इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता है जब अमाउंट कांस्टेंट हो, और कांस्टेंट इस जगह आ रहा है, तो ये टाइम आपके लिए इक्विलिब्रियम है ना कि ये। तो ये पॉइंट आपके लिए बनता है इक्विलिब्रियम, अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे यहां पर, इक्विलिब्रियम वो नहीं होता जब अमाउंट सेम हो, इक्विलिब्रियम वो होता है जब अमाउंट कांस्टेंट हो। लिखो, डन। तो अगला आर्टिकल हमारा जो रह रहा है वो ये है कि एक रिएक्शन हो रही है जो ए कन्वर्ट हो रही है एन में, ए किस में कन्वर्ट हो रहा है? बी में। मुझे एन की वैल्यू नहीं मालूम, तो क्या करूं मैं? नहीं मालूम तो नहीं मालूम, लेकिन कर्व दिया हुआ है साथ के साथ कंसंट्रेशन या अमाउंट के बारे में देखते हुए कि ए की कंसंट्रेशन 10 थी और 10 से सीधी 2 हो गई, और बी की कंसंट्रेशन बेचारे की 0 थी, बढ़कर 6 हो गई। बताओ एन की वैल्यू क्या है? एग्जाम्पल, फाइंड एन। मुझे मालूम है कि हमारा केमिकल अच्छा है, तो हमने क्या करा कि एक कंसेप्ट लगा दिया जो हर जगह लगता है कि डेल्टा रिएक्टेड मोल या रिएक्टेड कंसंट्रेशंस, रिएक्टेड कंसंट्रेशंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय उसी का कॉफिशेंट, स्टोइचोमेट्रिक कॉफिशेंट इज इक्वल टू प्रोड्यूस कंसंट्रेशंस ऑफ बी। बिल्कुल सही है, स्टोइचोमेट्रिक कॉफिशेंट। तो रिएक्टेड कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी 10 से कितना हुआ? 2, तो सीधा कितने का डिफरेंस है? 8। कॉफिशियंट नहीं दिया है, दिया है 1 है, 1। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन 0 से कितनी पहुंच गई? 6, तो डिफरेंस हमें मोड में देखना है 6, और स्ट्रेचोमेट्रिक कॉफिशियंट एन, और कुछ सोच ही नहीं सकते। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको काट दो आप 2 से, 4, तो 3/4 आएगा आपका आंसर। बस इजी है, कोई ज्यादा नहीं है। एक और एग्जाम्पल, अगर कोई रिएक्शन ऐसे ए कन्वर्ट एक्स बी प्लस वाई सी, यहां ए रिएक्टेंट है बी सी प्रोडक्ट है, तो वाई एक्स वाई क्या है यहां पर? कॉफिशेंट। और कर्व आपको ये दिया गया है ए जो 10 था वो अब आपके पास इस जगह 4 है, कितना है? 4। बी जो पहले 0 था अब कितना है? 0 था, अब वो कितना है? 3 है। और सी जो पहले 0 था वो अब 6 है। तो आपसे पूछा जा रहा है ये इक्विलिब्रियम स्टेट है? हाँ है, बिल्कुल यही इक्विलिब्रियम स्टेट है। आपसे पूछा जा रहा है पहला, फाइंड एक्स एंड वाई। असल ट्रिक मैंने जो ट्रिक बनाई है उससे इसको आप सेकंड्स के अंदर सॉल्व करें, बताएं। देखिए हमारे पास हमारी ट्रिक लगा देते हैं, हमें क्या निकालना है? एक्स और वाई निकालना है। तो ए के कितने मोल खत्म हुए? 10 से 6,
चार यानी छः, सिक्स डिवाइडेड बाय वन, बी के लिए जीरो से थ्री, थ्री बाय एक्स, और सी के लिए जीरो बने, जीरो से सिक्स हुए यानी सिक्स बने, सिक्स बाय वाई। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक्स की वैल्यू आ रही है मेरे लिए वन बाय टू और वाई की वैल्यू मेरे पास आ रही है वन। ये एक्स और वाई की हो गई यानी इक्विलिब्रियम मेरा हो चुका है इस जगह। क्या हुआ है, ए कन्वर्ट वन बाई टू बी प्लस सी, बोलो यस और नो। और डायरेक्ट टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर जो मेरे पास कंसंट्रेशन है, ए की कितनी मिल रही है मुझे, चार इक्विलिब्रियम पर, बी की कितनी मिल रही है मेरे को, तीन, और सी की कितनी मिल रही है, सिक्स। हमने भले ही के इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा लेकिन थोड़ा बहुत तो जानते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है ए की पावर उसी का कॉफिशियंट, यानी हम पहले प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं, तो थ्री की पावर उसी का कॉफिशियंट वन बाई टू, सिक्स उसी का कॉफिशियंट वन, फोर और इसका कॉफिशियंट ए का वन, तो हमारे पास आ रहा है ये कटेगा थ्री, थ्री रूट थ्री बाय टू, जो कि आंसर बिल्कुल सही है। इज दैट क्लियर, लिखें इसको।